welcome to a new day and a new video how are you all doing kanta so bye hope everyone is doing great here we go so finally all in all एटॉमिक हैबिट खत्म होने वाला है सो so, इसका एक डिटेल वीडियो एक दो दिन में शूट करके डालने का ट्राई कर रहा हूँ मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ शूट करके डाल दूँगा एक दो दिन में सो मस्ट वॉच इट बहुत मीनिंगफुल कंटेंट रहने वाला है उसमें भी फिलहाल अभी जो है बहन को इसको दे के हॉलीडे में रिजरेट हुआ था जो मेरा ही बुक है उसको वापस ले लूँगा सोच रहा हूँ तो नॉलेज भी शेयर हो जाएगा सो so, बेसिकली यही सब है ऑल एंड ऑल अभी का जो शेड्यूल है प्लस जो सब्ज़ी ले लो वाला है वो अभी जिस हद तक है उसको थोड़ा अप्राइज करने का टाइम है मार्च में मेरा कुछ और प्लान है तो मार्च में बता दूंगा क्या प्लान है अभी तो मार्च आया नहीं है तो स्टेट यून फॉर देट अभी मार्च के लिए थोड़ा टाइम है सो अप्रैल से जो है ब्रांड टाइप करना स्टार्ट कर दूंगा जो मैंने बोला हुआ था कुछ टाइम ले रहा है ले रहा हूं मैं ब्रांड टाइप करने के लिए वो है अप्रैल से मैं स्टार्ट कर दूंगा ये सब ऑल एंड ऑल सब कुछ होप फुली सही हो जाए स्टिक टू ए पर्सनैलिटी द हार्ट इट विल बी केम टू गेट बियंड इटेंट ऊपर अपना जो हैबिट बनाओ स्किल डेवलप करो स्किल आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सो स्टे टून फॉर दैट अभी जाता हूँ थोड़ा नीचे नाश्ता वास्ता करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ अगर कहीं जाना हुआ तो चीज़ें नया चीज़ एक्सप्लोर करने को सो लेट्स एक्सप्लोर मोर एंड लर्न मोर थिंग या ये स्टार्टिंग फेज है अपना स्टार्टअप्स का और बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे को स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए सो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है सो बने रहिए और देखते रहिए कितना आगे तक जाते हैं और सपोर्ट कीजिए जो कि की चैनल को सब्सक्राइब करके होता है सो बहुत चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ उसमें से एक है टाइम पास जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है समझ पाता हूँ यहाँ जो चीज़ है क्योंकि हम लोग का जो टाइम शेड्यूल है वो मिसमैनेज होकर हुआ हुआ है हुआ पड़ा है सो so, ये जो टाइम शेड्यूल है उसको सही करना है मेन अभी का जो पॉइंट है वही है और बहुत सारे चीज़ें हैं रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अराउंड सो so, सब कुछ शॉर्ट करना है बेसिकली दो तीन चीज़ शॉर्ट करना है कि अच्छा हैबिट बनाऊँ जो कि मैं एटॉमिक हैबिट्स है उसे सीख रहा हूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो जो कि बहुत मेन चीज़ रहता है जितने कंसिस्टेंस आप हो गए उतना कंसिस्टेंट आपका जो आउटकम है वो निकल के आएगा सो बेसिकली आई एम ऑल अबाउट आउटकम एंड कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एज सच की मैं बीच में बहुत दिन गायब था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे उसको मैं आगे जाके कभी शेयर करूँगा क्या है क्या नहीं थोड़ा अच्छा से लेवल से सेट हो जाने दो तो सब कुछ को और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं सॉर्ट आउट करने वाला हूँ ये मंथ और दो तीन मंथ है मतलब मार्च और अप्रैल को लेके तो अभी देखते हैं उसमें कितना हद हाँ तक अपने को सक्सेस मिलता है ऑल एंड ऑल चांस फिफ्टी फिफ्टी है सक्सेस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है तो इस सबको चक्कर में मैं छोड़ तो नहीं सकता कि फिफ्टी परसेंट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी टू गेट इन टू इट सो या yeah, बहुत सारे चीज़ें हैं अभी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ हैं जो कि मैं मिल के शॉर्ट आउट कर सकता हूँ लेकिन मेरे को ऑलउंड सॉर्ट करने में ज़्यादा ईजी लग रहा है सो या बेसिकली सुबह का मेन जॉग का मोटिव भी यही रहता है कि कितना कैपेबल हो आप और कितना कैपेबल है आपका जो माइंडसेट है माइंडसेट को कैपेबल करने के लिए मेनली मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे और बहुत सारे चीज़ें हैं कि मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मेरे को ज्ञान मिल रहा है वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है तो बहुत सारे अंडर हैं अपने इंडिया में भी अभी भी जो कि बहुत कुछ सिखा रहे हैं बट उनको व्यूज़ नहीं आ रहा बट मैं जब से यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरा जर्नी जो था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने सोचा था कुछ अच्छी बातें करेंगे अच्छा चीज़ बताएंगे स्टार्टअप के बारे में क्या इनिशियल लेवल में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है जो कि मैं कर रहा हूँ और आपको करने ना पड़े आप मेरे गलती से सीख जाओ सो so, या yeah, यही है मेन मोटिव मेरा चैनल का कि एक स्टार्टअप रन होता है और कैसे उसको आगे लेके जाया जाता है वो मेन आपको सिखाना है और मैं भी सीख रहा हूँ सो so, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बॉन्डिंग बोल सकते हो आप कि मैं जो सीख रहा हूँ जो गलती कर रहा हूँ आप लोग ना करो क्योंकि आप एक लेवल आगे जाओ लेकिन ये सब गलती करके जो सीखने में मज़ा आता है वो देख के मतलब दूसरे का देख के सीखने में भी मज़ा आता है बुक पढ़ो सबसे मेन चीज़ वही है बुक में आपको पता रहेगा कि कितना ज़्यादा ज्ञान दिया गया है सो बेसिकली ऑल एंड ऑल जो मेन चीज़ माइंड है वो है कि इंटेलिजेंस हासिल करना और ना कि एक माध्यम से तीन चार माध्यम से हासिल करो जो चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उससे भी माइंडसेट अपना चेंज करो और देखो क्या होता है कैसा फील होता है आपको आगे जाने में हेल्प करेगा तो स्टेट फॉर दैट विद सेट अंकित पर साइनिंग ऑफ पीस